भूटान का शहर कुम जो कि कुम प्रोविंस की कैपिटल की हैसियत भी रखता है और ये ईरान का सातवां बड़ा शहर है जो कि साउथ तेहरान तक 140 किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है। इस शहर की आबादी तकरीबन 12 लाख के करीब है और मोस्टली पॉपुलेशन यहाँ की शिया है। इस शहर को होली सिटी भी माना जाता है क्योंकि यहाँ पर आठवें इमाम इमाम मूसा काजिम की बेटी और इमाम रजा की बहन बीबी फातिमा मासूमा का मकबरा भी यहीं पर मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम एंड गुड आफ्टरनून फ्रॉम कुम। एक बार फिर से आपको कुम की गलियों से खुशामदीद कहते हैं हमारे चैनल पर। और आज रात बहुत ही सुकून की गुजरी है, नींद बहुत ही अच्छी नींद आई है। इतने मतलब जो है ना कि इतने दिन सफ़र करने के बाद एक आपको है ना रेस्ट करने का टाइम मिल जाता है तो बंदा जो है ना सुकून फील करता है। 11-12 बजे सब उठ गए थे, अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 2:30 के करीब हो रहे हैं और इस वक्त हम आए हैं बीबी मासूमा सलामुल्लाह अलैहा के रोज़े पर नमाज पढ़ने ज़ोहर की। तो इंशाल्लाह नमाज पढ़ के उसके बाद फिर उनको घूमेंगे, एक्सप्लोर करते हैं कि क्या क्या चीज़ें हैं, बाज़ार वगैरह घूमेंगे आके। फिर से कल भी जो मैंने अगली वीडियो में जो दिखाया था बाज़ार, वो भाई बहुत ही बड़ा महंगा था। तो अभी हम जा रहे हैं अंदर रोज़े में नमाज़ पढ़ने और उसके बाद फिर देखते हैं कि कहीं घूमते हैं, कुछ करते हैं। और कहने को यहाँ पर है ही नहीं कुछ, बस इबादत करनी है कुछ थोड़ी, जिस मकसद के लिए आए हैं तो बंदा इबादत तो करें ना। इबादत करेंगे थोड़ी देर फिर बाहर आएंगे, घूमेंगे फिरेंगे और लंच भी करना है हमें, तो उसका भी कोई देखना पड़ेगा कि है ना बजट में कोई चीज़ देखें खाएंगे। और बाकी अभी तो यही है, हम जाते हैं अंदर नमाज़ पढ़ के फिर आपसे दोबारा जो है ना मिलते हैं नमाज के बाद। और सालाना के हिसाब से इस शहर में तकरीबन 2 करोड़ के करीब जायरीन ज़ियारत के सिलसिले में आते हैं। अच्छा, इधर नमाज वगैरह पढ़ने के बाद आए, कुछ भूख लगी थी तो सोचा कि कुछ समोसे वगैरह खा लें
समोसे मिलते हैं और एक पेप्सी वगैरह ले लेते हैं। तो अभी हम पहुँच गए समोसे की शॉप पर। सलाम आगा तुम समोसा कीमत कीमत समोसा ना मेरी चाचे को समझ रही है ना चाचे की मुझे समझ आ रही है। समोसा मामूली खुशूसी पिज्जा मामूली खाऊं मामूली नहीं मामूली 10,000 दे तुम आगा मामूली समोसा एक एक पेप्सी उठाओ या कोक वही खाऊंगा। आगा वेरी गुड माशाल्लाह पाकिस्तान पाकिस्तान ईरान ईरान जिंदाबाद जिंदाबाद। एक समोसा हमें फ्री में दे दिया है चले वो बाद में पता चलेगा बिल के वक्त जब बिल देंगे। चाची ने एक समोसा फ्री दे दिया है बोले पाकिस्तान फ्री वाला मैं खाऊंगा। सलाम पाकिस्तान जिंदाबाद ईरान जिंदाबाद। बिस्मिल्लाह करके अभी समोसा अपना खा लेते हैं और दूसरा जो चाची ने फ्री दिया है ना वो भी आधा आधा कर लेंगे मैं और इरफान भाई। इरफान भाई क्या लग रहा है चाचा पैसे लेगा जो फ्री में दिया है समोसा। बिस्मिल्लाह के नाम भूल गया ना बिस्मिल्लाह हम खा रहे थे फिर मिलते हैं आपसे। समोसे बहुत अच्छे थे चलो बिल का टाइम बिल देते हैं देखते हैं चाचा कितना बिल निकाल दें। आगा बिल अच्छा ही हमने समोसे वगैरह खा लिए जो भी थे वो अच्छे थे। बिल टोटल बना था 42 तुमान एक चाची ने फ्री दे दिया था जो पाकिस्तान से आए और उस 42 में से भी उन्होंने 2 छोड़ दिए ऐसा करते हैं कि रख लेते 3 और भी हमारे 5 तुमान वापस दे देते 50 तुमान में दिए पर उन्होंने यार 10 तुमान मुझे वापस कर दिए जो यहाँ के बंदे 10,000 ख्याल में या 1,00,000 का नोट था वो होता है। इरफान भाई फ्री का समोसा खाए कैसा लग रहा है कैसा लग रहा है अच्छा लग रहा है अच्छा समोसा अच्छा था समोसा अच्छा लास्ट में थोड़ा था ना वो खट्टा था इतना वो मसाले जो अच्छा नहीं लग रहा था जायका पहले मसाला कोक के साथ अच्छा लगा थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा था। चलो यार कोक भी मतलब है ना कोक एक एक तुम्हारा कोक में से भी कम कर दिया है समोसा भी फ्री दे दिया चाहते और क्या चाहिए 40 तुम बहुत अच्छा है चाचा बहुत अच्छा था वो पाकिस्तान जिंदाबाद पाकिस्तान ईरान जिंदाबाद ये सब मेरा भी ना थोड़ा एक्सेंट वही पर्शियन हो गया है मुझे जो है ना पर्सनली पर्शियन मुझे बहुत पसंद है मुझे बात करना पर्शियन में बहुत अच्छा लगता है पर क्या करें आती नहीं है एक्सेंट थोड़ा बहुत वैसा करते हैं पर उतनी मतलब आती नहीं है उस किस्म की इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आते जाते रहेंगे अब तो ईरान प्रोसेस एक दफ़ा बंदे को समझ आ जाए ना वो खुद ब खुद ही आ जाता है मतलब खुद ब खुद ही वो अकेले आ जाते हैं। अभी तो मैं एक ग्रुप के साथ आया हूँ मुझे इतना पता नहीं था कि क्या प्रोसेस होता है चल और अब मुझे पता चल गया है। इरफान भाई आपको पता चल गया पूरा आ सकते आ जाएंगे अकेले आ जाएंगे ईरान ईरान घूम लेंगे आप अकेले मुश्किल है मैं घूम लूँगा मेरे लिए मुश्किल नहीं है मुझे सब समझ आ गया मुझे करेंसी थोड़ी डिफिकल्ट लग रही है यहाँ की वो भी समझ आ गई अभी 5,000 या 50,000 का है 5,00,000 का है कौन सा नोट है सारा समझ आ गया। अभी चलते हैं देखते हैं उधर ही अपने रूम पे और फिर बाद में शाम में वापस आएंगे मगरिब वो असर के टाइम में असर का टाइम वैसे होने वाला है अभी आधा पौना घंटा पड़ा है तो फिर आते। और भाई जी तो चलते हैं अपने रूम की तरफ यार इनकी सफाई यार देखिए एक तो मतलब ना सारी दुनिया की पाबंदियाँ इन पर
हर चीज़ मतलब इन पर है, मतलब कोई मतलब दुनिया से कनेक्टेड नहीं है, फिर भी ये देखें ना हमसे बहुत ज़्यादा आगे, हमसे हमारे पास कोई पाबंदी नहीं किसी चीज़ पर। हम देखो सफाई यार, मुझे काफ़ी इम्प्रेस किया, जगह जगह डस्टबिन होते और इन पर अमल भी करते हैं लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, ज़्यादातर पाकिस्तानी ऐसा करते हैं, पाकिस्तानी ज़्यादातर कोई नहीं मतलब है ना उसमें अमल करते, बाकी तो है खुद ब खुद जो है ना इनकी जो नस्ल दर नस्ल आती जाती है वो इस बात पर अमल करती है भाई सफाई का खास ख्याल रखना है। तो क्या तो अगर आप याद ना कि यहाँ पर कचरा करने आते हैं, कचरा करके चले जाते हैं, अरे भाई आए हो अपना जो कचरा साथ तो लेके जाओ ना, वो देखे सामने कचरा पड़ा हुआ है सामने देखे ना, देखें वो कचरे की कूड़ेदान में नहीं डालेंगे कुछ भी कचरा, ये मुझे अच्छी बात नहीं लग रही यहाँ। चलें खैर आ जाए रोड क्रॉस करते हैं, ये इनकी ये बड़ी अच्छी बात है आहिस्ता हो जाए। कौन गली कौन सी थी, ये वाली गली है ना, हाँ यही गली है, ये यहाँ पर करंसी वाले गली सबके पास हिप्स किया हुआ है, एक पैंतीस। तो होटल में पहुँच गए, रूम देखें भाई खुला हुआ है, हाँ रूम खुला हुआ है। उस्ताद मोहम्मद अली किधर गुम हो गए थे, अच्छा सो गए थे, और वो कहाँ है हमारा उस्ताद सफीर, क्यों ये वॉशरूम में चला गया, अच्छा मैं भी कहूँ इतनी जल्दी थी से कि चलो भाई चलो चलो वॉशरूम से होके यार, मुझे तो बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, अल्लाह यार बहुत अच्छा लग रहा है मुझे, वैसे तो हमें सीखना चाहिए सच्ची में, इनसे सीखना चाहिए, ये हम इधर आ रहे हैं ना जो ज़ायरीन वगैरह जो भी हैं अच्छी बात है, ज़ायरीन मतलब ज़्यारत के लिए आ रहे हैं, पर यार कम से कम ख्याल तो करें यार, ये कितना एफर्ट कर रहे हैं अपनी सफाई से, मतलब जो है ना अपने माहौल को साफ़ सुथरा रखने में, हम वही मतलब वहाँ पाकिस्तान वाला माहौल इधर क्रिएट कर रहे हैं जो कि हमें नहीं करना चाहिए, विच इज़ नॉट गुड फॉर देयर एनवायरमेंट। और पाकिस्तान की करेंसी और ईरान की करेंसी यार क्या बोलना चाहते हैं, पाकिस्तान की करेंसी इंशाल्लाह इंशाल्लाह मुझे मुझे से हालात चल रहे हैं, जो एक महीने में जितनी पाकिस्तान की करेंसी डिवेल्यू हुई है, जो एक दो महीने पहले ईरान की करेंसी मतलब पाकिस्तान के मुकाबले 170-180 के करीब थी मेरे ख्याल में, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट कर दें, तो इतनी थी अभी 140-135 के करीब है, खुद ही देखिए ना कितना मतलब जो है ना फ़र्क आ गया है। और माहौल मतलब जो होता है ना वो हमने खुद ने क्रिएट करना होता है, गवर्नमेंट का क्या होता है वो आपको सड़कें बना के देती है, डस्टबिन लगा के देती है, गाड़ियाँ देती है, मेंटेन करना आपका काम होता है, तो आप उन्हें मेंटेन करें भाई, अच्छी तरीके से इस्तेमाल करें, तो मतलब अपने अपनी ज़ाती चीज़ों की तरह नहीं, अपनी ज़ाती चीज़ों की नहीं, पर पराई चीज़ का यार ख्याल करना चाहिए, वो ये भी ये तो अपनी चीज़ है, हमारे टैक्स से ली हुई है, मुझे जो है ना बिल्कुल ईरान ने इम्प्रेस कर दिया, मैं बार बार यही कहता हूँ अपनी वीडियोस में कि मुझे ईरान ने इम्प्रेस कर दिया है, और पाकिस्तान हम पाकिस्तानी इसी बात में खुश हैं कि हमारा 1,000 और ईरानी 1.5 लाख मतलब कोई फ़ायदा बताएं 1.5 लाख रुपए का जो इधर मतलब इधर आप एक खसीस एक टी शर्ट है ना वो भी 2.5-3 लाख रुपये की मिलती है, मतलब तोमान की यहाँ की, तो फिर क्या फ़ायदा, वही तो होता है ना हमारे यहाँ उधर, फिर इसके हिसाब से जो है हमारा जो है पाकिस्तान का जो है सिक्का वो कम है, कम बहुत कम वही ना बस ये बात है, बस यहाँ फकीर के पास भी जो है ना एटीएम कार्ड होता है, अगर हदिया देना पड़ता है ना वो भी हदिया एटीएम के जरिए, यार हर किसी के पास यहाँ पर जो है ना सब्जी वाले के पास भी वो मशीन लगी पड़ी है एटीएम से, आप अपने डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से पे करें, ये देखें कितना मतलब जो है ना कितने हमसे आगे हैं, हालांकि इन पर पाबंदियाँ वगैरह हर चीज़ लगी हुई है,
हम तो यार बिल्कुल फ्री हैं, फ्री हैं मेरे और मैंने एक जगह एक बात देखी है, पाकिस्तान में अगर कोई वीडियो वगैरह बनाते ना तो मतलब जो है ना एक मतलब एक अजीब तरीके से उसको देखते हैं कि पता नहीं क्या कर रहा है बंदा। पर ईरान में मैंने आज तक ऐसा नहीं महसूस किया, 3-4 दिन हो गए किसी ने मुझे ऐसे नहीं कहा क्यों वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हो या कुछ। अभी कहाँ जा कहाँ रहे हैं कुछ पता है? अभी ऐसे चल पड़े सब्जी लेने। अच्छा सब्जी लेने जा रहे हैं, रात को बिरयानी पकाएंगे। अच्छा रात को बिरयानी पकानी है? जी जी, सब्जी वालों के पास ही ATM कार्ड होता है। अच्छा वो मैंने देखा है। अच्छा हमें खिलाएंगे या फिर? हाँ भाई क्यों नहीं खिलाएंगे, सबको खिलाएंगे। अच्छा इनवाइट कर रहे हैं मतलब? न्याज है यहाँ भाई, ऐसे समझो ऐसे ही खुद मतलब अपने नहीं पकाए। बस का जो है टोटली जाहिर है उनका न्याज है। अच्छा सही बात है, चैलेंज। एक केला 20,000 का है। भाई कहाँ से सब्जी? अच्छा जो है ना अंगूर, हाँ अंगूर वो भी 5,000 का है। 5,000 का अंगूर? पागल है। ये नींबू देखे यार कितने बड़े हैं। इतना है देखो, 3 लीमू के ये सूख जाएंगे ना, हमारे उधर घर पे पड़े होते ना इतने। नहीं, 3 लीमू के बराबर भी नहीं होते अंगूर, वो 5,000 के। 5,000? क्या जरे भिंडी है पापा? ये क्या है? भिंडी नहीं, ये गाजर है। यहाँ ये गाजर है, हमारे पास बहुत आम है। ये अच्छे वाले आम हैं। लंगड़ा आम है, लंगड़ा क्या रहे हैं। चलो हम भी उधर सब्जी तो ले ली। ये भिंडी अंगूर बेदे बिरयानी के लिए शॉपिंग कर ली है, सब्जी वगैरह गोश्त वगैरह ले लिया है, कितनी देर में बनने वाली है? अभी हम जब पहुंचेंगे ना इंशाल्लाह 1 घंटे में तैयार हो जाएगी। 1 घंटे में? जी ज़्यादा नहीं है कुछ टाइम? हाँ कुछ ज़्यादा टाइम नहीं, 1 घंटा फिलहाल तो यही टाइम है। ये आपको बिरयानी खाने के बाद बताएंगे। हाँ ये अभी भूख बहुत लगी है, बिरयानी के लिए इंतज़ार कर रहे हैं। फिर बिरयानी पे मिलते हैं आपसे, बिरयानी भी दिखाएंगे, बिरयानी भी दिखाएंगे को बनती है। जी जी पक्का? हाँ चले फिर देखते हैं जो बिरयानी बनती है। वो खिचड़ी नहीं बनाएंगे, बिरयानी बनाएंगे। नहीं बिरयानी बनाएंगे। चले बाकी ये यार यहाँ पर शॉप्स वगैरह तो नहीं, मतलब जो है ना यहाँ पर वो मीठे में तो क्या वड़ा बोलते हैं ना, वड़ा बहुत फेमस है यहाँ का, बहुत है यहाँ पर। कुम का ईरान का मतलब ईरान कुम कोई भी हो। और ये शहर अपनी मिठाइयों की वजह से बहुत ही मशहूर है, और यहाँ की मोस्ट फेमस मिठाई सोहान जो कि पाकिस्तान और इंडिया से आने वाले जायरीन भरपूर मकदार में यहाँ से खरीद कर लेके जाते हैं तबरुकात के तौर पर। ला 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 ला
और इस वीडियो में बस इतना ही, आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।